श्री गणकेश्वर महादेव मंदिर से पहले हम माता जी के दर में पहुंचेंगे। श्री रोहिणी माता जी मंदिर, इसमें लिखा है गुंदेशा राज पुरोहित, इसका एक मुख्य द्वार भी है, लेकिन बता रहे थे कि ये गणक माता जी का पहले इसका नाम इस तरह से गणक माता जी था। और ये संपूर्ण नज़ारा सच में देखने लायक है। अब आप देखिए, इसको अगर हम दूर तक देखेंगे तो यहाँ केवल हरियाली हमको दिखेगी, केवल ये हरे भरे पहाड़ और ये खूबसूरती इस जगह की सुंदरता है। श्री माता जी के दर में हम एक बार अवश्य दर्शन करें। श्री रोहिणी माता जी या श्री गणका माता जी, क्योंकि माँ के स्वरूप हैं, माँ को तो हम माँ तो हमारी आराध्या है, माँ शक्ति स्वरूपा है, माँ आनंद स्वरूपा है। यहाँ हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो ये कि ये प्राकृतिक रूप से बड़ी खूबसूरत जगह है और आना चाहिए। देखिए, प्रकृति से प्रेम ईश्वर से प्रेम है। प्रकृति से अगर हम जितना दूर रहेंगे, प्रकृति से अगर हम दूर हैं, तो आप मान के चलिए कि आप ईश्वर से दूर हैं। आप प्रकृति से दूर रह के ईश्वर के समीप नहीं हो सकते, ये एकदम तथ्य है, एक साइंटिफिक तथ्य है। तो हम माता जी के दर पे पहुँचे हैं। यहाँ इनका माता जी का हवन कुंड है और ये एक स्वाभाविक रूप से माता जी की ध्वजा है। और एक नज़ारा बड़े बरसात में तो जिनके नसीब में रहता होगा, ये झरने के रूप में। चलिए, माता जी के द्वार बंद हैं, हम बाहर से एक बार नमन करते हैं। और भाटी साहब ने अपनी हाजिरी लगा दी, मैंने भी अपनी हाजिरी लगा दी। और इस कुंड को देखकर हम अग्रिम यात्रा, आगे की यात्रा जो हमको गणकेश्वर महादेव पहुंचाएगी, वहां पहुंचते हैं। और आखिर हम श्री गणकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए। गणकेश्वर महादेव का मंदिर एक गुफा में है और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई स्वर्ग है। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हम हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, पार्वती माँ के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ एक पूजा चल रही है, पंडित जी यहाँ लगातार पूजा कर रहे हैं। और आखिर हम गणकेश्वर महादेव मंदिर पहुँच गए। ये स्वयंभू लिंग है, हमारे सामने पुजारी जी हैं जो यहाँ दिन में दो बार पूजा करते हैं। दो बार पूजा होती है, सुबह शाम श्रृंगार होता है और यहाँ गंगा बहती है। और एक बात हम और कहेंगे, ये गुफा है और इस गुफा में श्रावण में ऊपर से पानी, या यूं कहें कि प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता है। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम राजू रावल। राजू जी रावल हैं, पालड़ी विराजते हैं आप? हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ा सा बताएं आप, हम एक तो सबसे पहले गंगा के दर्शन करवा दें। ये सामने गंगा है? हाँ, ये गंगा मैया। और आप माता जी हैं? ये माता जी, ये भी शंभु है जी। शंभु है? अच्छा 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 अच्छा। और क्या कहेंगे आप? भी शंभु है, शिव जी बैठे हुए बाजू में माता जी के। अच्छा अच्छा। ये मैन है जी? हाँ जी। चार वहाँ बैठे हुए है, चार लिंग वहाँ बैठे हैं, विराजमान है। पांच है जी? अच्छा अच्छा, पांच है। ठीक है ठीक है। और उधर पीछे वो भी मैया पार्वती जी हैं। ठीक है, ये तो बड़ा कमाल का मंदिर है ऐसा, बहुत गणकेश्वर महादेव का मंदिर है। और बहुत पुराना मंदिर है जी, हजारों साल पुराना। सानेश्वर जी मंदिर से भी पुराना मंदिर है जी। ये सानेश्वर मंदिर से पुराना मंदिर है और आप यहाँ नियमित रूप से पूजा आरती।
दिन भर यही रहते हैं आप? पूरा दिन भर, रात भी यही रहता हूँ मैं, घर नहीं जाता, यही रहता हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हम इस तरह से आज हम गणकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे हैं, और यहाँ कम से कम आना ही चाहिए हमको। अभी हमको हमारे साथ भाटी साहब हैं, वो कह रहे कि मैं, भाटी साहब कब आ रहे थे आप यहाँ पिछले? कितना कितनी, देखिए ये विडम्बना तो है कि भाई हम बहुत लंबे, इतने 73 का मतलब है कि बचपन में आया हूँ, मतलब जवानी में आया होंगे। हाँ, आप जवानी में यहाँ पहुँचे और इस तरह से, लेकिन मंदिर बहुत चमत्कारी है, प्राचीन है। प्राचीन इतना है कि हजारों हजारों साल, या हम हजारों में भी गिनती नहीं कर सकते हैं, जब से अनादि है ये, तो अनादि है, इसको हम हजारों लाखों साल की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये आबू क्षेत्र है, आबू भूमि है, तपोभूमि है, और हम उस कुंड को भी दिखाएंगे जो बाजू में कुंड है भाई साहब। अच्छा अच्छा, और बाकी यहाँ धर्मशालाएं वगैरह, यहाँ अगर लोग आते हैं तो पार्टी की व्यवस्था, बर्तन पूरा सब सब यहाँ यहाँ आराम से कर सकते हैं, आराम से पूरी सुविधा है जी। और क्या कहेंगे आप यहाँ के बारे में, और विशेष यहाँ के बारे में? बहुत चमत्कारी है, बहुत जगह में तप है यहाँ, कोई साधु संत ठीक होगा वही टिकेगा, कोई बड़ा तपस्वी होगा वही टिकेगा यहाँ पे। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि पाखंड पसंद नहीं है इनको, पाखंड पसंद नहीं है, बहुत शंभू है और बहुत आनंद से है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रावल साहब, हमको आनंद आया, हमने भी आज दर्शन किए वापसी के, और हम बस एक बार बाहर के नजारे को दिखाएं, और हम एक और मंदिर आपको जरूर दर्शन करवाएंगे, जिनको हम तीर्थेश्वर महादेव कहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से यहाँ हम एक बार देखे हैं, तो मैं इनके भी एक बार दर्शन करवा दूं कि आप गणपति जी हैं जो अक्सर होते हैं, और आप साक्षात दुर्गा हैं, दुर्गा माँ हैं, इनके भी हम दर्शन करें, और आप भैरव जी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भैरव बाबा के भी दर्शन करें, और इस तरह से यहाँ श्री हनुमान जी महाराज। और यहाँ एक चीज और देखें हम, बाहर का नजारा, ऊपर क्या है भाई साहब? ये ऊपर ये महाराज जी की समाधि है जी। ये कौन से महाराज जी? हरिदास जी महाराज की। अच्छा अच्छा अच्छा, संत हरिदास जी हुए हैं। महीने में इस मंदिर से पानी निकलता पूरा। अच्छा अच्छा, ये खंभे दिख रहे हैं ना आपको? हाँ हाँ, अंदर से पानी निकलता पूरा। ठीक है ठीक है ठीक, ये प्राकृतिक जगह है, और ये कुंड है, ये कुंड गहरा है, बहुत गहरा है। अच्छा 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 अच्छा, बारिश ज्यादा आती है तब तो पानी इसके ऊपर चलता दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हम एक बार श्री गणकेश्वर महादेव के आज हमने दर्शन किए, बोलो गणकेश्वर महादेव की जय।